जाओ जाओ लेफ्ट में, पीछे वाले में, पीछे वाले में सब, पीछे वाले में। कहाँ पे? लो है। भाई गया अभी मैं भी। हील कर ले। आ यार। पीछे से उसका बंदा भी आ गया। अबे कैसे आ रहा है? ऐसे अंधे जैसे क्यों जाते हो? मेरे को समझ नहीं आता। मैं तो नहीं गया था। पता है लेफ्ट घर में बंदा है सांगवान। पता है लेफ्ट घर में बंदा है। कैसे जा रहा है आगे? भाई तू फिर कान तेरा फेंक दे। तेरा हेडफोन में दिक्कत नहीं, तेरे कान में दिक्कत है। यार डैमेज ही देते जाओ भाई, बंदा मर रहा नहीं। एक हद है भाई, या तो फिर पुश करो ही मत भाई अगर नहीं हो रहा है। अबे सांगवान पीठ पीछे कैसे गोली खाया? अबे कैलकुलेटेड एग्रेशन होता है भाई, ऐसे अंधा नहीं घुसता। मैं जाते टाइम भी बोला था ना, तो फिर पीछे रह के खेल बे सांगवान। की कोशिश करेंगे टीम जान मारा के प्लेयर्स की तरफ। सोनिम को यहां पे स्पॉट आउट कुछ देर में करेंगे। सांगवान और मॉर्टल एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हुए कैसे कूद कूद के भाई, किसी भी मोमेंट भाई अब कैसे साउंड नहीं आता है भाई सांगवान को? कैसे नहीं साउंड आता है स्प्रे? बट मॉर्टल यहां पे काउंटर स्प्रे देने की कोशिश कर रहे हैं। मॉर्टल को बहुत ज्यादा लो एचपी आ चुके हैं। यहां पे मॉर्टल को भी नॉक कर दिया सोनिम। यहां पे एक क्लच की तरफ धीरे-धीरे बढ़ते हुए वाइपर लापता बहुत खतरनाक पे। वाइपर को भी फिनिश कर देंगे जान मारा की सोनिम। अकेली टीम सोल को यहां पे 1v3 दिखाते हुए, क्योंकि ऊपर रेवेंटी टीवी आ गई। पीछे से खा सकता है यार, क्योंकि वो कैंप पे तो स्टैंड पे तुम्हें भाई साउंड कैसे नहीं आया भाई? हमको आ गया, उसको कैसे नहीं आया भाई? मेरे को ये जानना है अभी। हेलो अभी उसने फुटशॉट तब दिया जब मैं आगे चले गया था। वो तो मालूम है फुटशॉट तब दिया, मैं बोला तेरे पीछे बंदा है। उसके बाद अबे वही तो बोलता, अभी तो बोल रहा हूं उसमें कुछ क्या ही करता उसमें। मैं आगे निकल के तब उसे फुटशॉट दिया अपने जगह पहुंचे उसके पास। अबे नहीं उसका मैं जब बोला तो पीठ पे गोली पड़ गई मेरे को, पीठ पे गोली। अबे मैंने भी देखा उसका फुटशॉट, तभी पलटा मैं, उतने में गोली पड़ गई थी मेरे को भाई। मैं बने कितना 5 टेनिस पे हो गया था। मॉर्टल ने वो तो बंद ही नहीं किया। दैट्स द बॉडी ऑफ आई कॉक। लेकिन अगर ठीक है सबके दिमाग में कुछ चल रहा है भाई, ऑन द स्पॉट भी जो चीजें होती है वो इम्प्रोवाइज करना पड़ता है ना भाई। अभी वो इम्प्रोवाइज करते करते अल्टीमेटली एक ही चीज फॉलो हुआ, मर गए। वही मेरा वही है, मेरे को रिजल्ट से मतलब है। कुछ भी फॉलो करो भाई, तेरे को भी रिजल्ट से मतलब है भाई। पर आखिरकार तेरे को भी मालूम बात तो वही है ना, उधर फाइट लेते ना ऊपर, ऊपर वाली जगह ही नहीं छोड़ता ना, तो उनको ओपन से आने नहीं देता। वो नीचे वाले कंपाउंड में जो पहुंचा उसको नीचे तक भी पहुंचने नहीं देता। बात समझ रहा? पीछे चले गया मैं, हम लोग सब पीछे की तरफ चले गए, वो लोग को क्लोज आने मिला। अबे वाइपर तू उधर मैं एक को नॉक किया तो पीछे से किल चोरी हो गया। रेवन टीटी भी आ गई तो पता चल गया। सबसे पहला कॉल सांगवान तेरा ही था कि नीचे बंदा है, तेरे को पता है किधर है। अरे नहीं दो घर नीचे ठीक है। मैं मेरा पॉइंट है कि भाई गन फाइट में तो चल तीनों ही हगे माना। मैं तो गनफाइट हुई नहीं, मेरे को मारो। वही तो गनफाइट नहीं हुई, वही तो बोल रहा हूं बे। मैं सुन तो पॉइंट फाइट ही नहीं हुआ, इसीलिए तो बोल रहा हूं। जब तक मैं उसको बाउंड के आगे पहुंचा था तो वही घर में बंदा था बे। नहीं अब दो से एक बंदा होगा तो, अबे एक बंदा है तो फुटस्टेप नहीं देगा ना वो, तो कैंप कैंप करेगा और अपना मोमेंट ढूंढेगा वो। मैं जैसे जैसे मैं क्रॉस किया, जैसे क्रॉस किया वो पीछे निकल के आ गया। और तुम लोगों ने गलती की, तुम लोग घुसते उस डोर से घुसते वो मर जाता आराम से भाई। एक गने कितनी गोलियां मारेगा उससे, इतना फ्री फायर देते उससे पहले कितनी गोलियां मारता है। रील थी ना भाई उस पे जब फ्री फायर दिया, मॉर्टल को 10 एचपी कर दिया, मेरे को 50 एचपी कर दिया। अबे मॉर्टल 70 एचपी था, मॉर्टल 10 एचपी हो गया तब गोली खाने के बाद दरवाजे से। नहीं नहीं बे देखना, मैं देखा अभी वो देख के बोल रहा हूं मैं। तुम दोनों घुसे थे तो सीधा अंदर घुसते भाई, कितने एक बंदा लेफ्ट हैंड का जेएम का शायद से, इसको छोड़ के किसका जेएम का एक बंदा लेफ्ट का। हाँ तो एक ये एक और, इसको तो मार देते आराम से यहाँ पे, आराम से वहाँ पे तुम दरवाजे खुल जाते तो। अब उसको विंडो से टच करने मिल गया। देखा ना आगे तू चल रहा था, हम तेरे को फॉलो कर रहे थे। हाँ तो वही, तो तू आगे निकल गया तो हम तेरे पीछे, हम भी आगे निकले। हाँ ठीक है, तब जब नॉक हुआ तब का बोला, तब दरवाजा खोल दे घुस जाओ अंदर, मर जाता भाई आराम से, घुस जाओ दोनों अंदर भाई। अबे तब तो समझा ही नहीं कहाँ से मारा, मेरे को लगा ऊपर जो घर में अपन थे उधर कोई आ गया, मेरे को लगा उधर से खाया तू। नहीं नहीं वो विंडो से मारा उसके यार, क्योंकि हमारे विजन में था नहीं तब। और उसने क्या अबे फुटस्टेप नहीं दिया भाई, बिल्कुल जीरो। मेरे को आ गया कंपाउंड में, वो उतने में तो भर दिया उसने मेरे को लिया भाई, 10 एचपी कर दिया उतने में तो उन्होंने पुश किया मेरे को। अबे देख कंपाउंड पुश करने का एक ही है, टीपीपी ले लेके चलते जाओ थोड़ा थोड़ा, और उतनी हड़बड़ी करेगा तो भाई वही एक ही स्प्रे में तेरे नॉक होने पे मेरा और मॉडल का वही सीन हो गया हड़बड़ी, उतने में उसका एडवांटेज वो उसने उठा लिया। उसकी ना उसकी खत्म हो गई थी गोलियां, अबे खत्म हो गई थी गोलियां, खत्म हो गई थी उसकी। हां मालूम है, स्विच किया उसने जो पहला वाला, नहीं नहीं
तब वही तो बोल रहा हूँ, तब तो वही वही एनालाइज कर रहे थे, तब पता नहीं था। देख अल्टीमेटली तेरे को भी नहीं पता था वो कंपाउंड के अंदर नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कैंप कर रहा है, मेरे को भी नहीं पता था। तो वही तो सिचुएशन के हिसाब से फिर एक जो पहला कंपाउंड है उसको देख, फिर आगे वाले पे जा। सब हाँ भाई आगे जाके साला फुटस्टेप, जैसे मुझे फुटस्टेप का मार्क दिखा रहा मैंने उतरे में तो पड़ गई भाई, तो वो दब दब पड़ी उतरे में। तो भाई मैं बोल रहा हूँ इट विल टेक टाइम, अभी रोज रोज नहीं चलता ऐसे, तो 5-6 दिन लगेंगे इसमें साथ में करने में। कोऑर्डिनेशन बनेगा तब तो कुछ फायदा होगा ना भाई, उसके लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए भाई, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन चाहिए। वही तो बात है, तो वो कैसे बनेगा, ऐसे थोड़ी बनेगा भाई एक दिन वो खिले, ऐसे नहीं चलता। मैंने बोल दिया एक लाइनअप यूज करो भाई, भले हगो नहीं फर्क पड़ता, लाइनअप एक ही चलाओ कितना हगो फर्क नहीं पड़ता उससे भाई, कोऑर्डिनेशन भी इंप्रूव होगा। दिन रात टीडीएम खेलो, दिन रात क्लासिक्स खेलो भाई, कस्टम खेलो, साथ में खेलो, बस 4 लौंडे ही खेलने चाहिए भाई, 5वां लौंडा नहीं चाहिए भाई। इसको बिठाना बिठाओ कोई दिक्कत नहीं, इसको बिठाना जिसको बोलना है बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाओ, बट 4 लौंडे खेलने चाहिए भाई। अब नहीं है टाइम भाई बदलने का, बार बार नहीं होता उससे कुछ, घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। रात को 5 बंदे बैठो मिलकर डिसाइड करो तुम्हें क्या चाहिए, जो चाहिए उसको खिलाओ भाई, 5वां बंदा कुछ बोलेगा नहीं, मैं तुमको बता रहा हूँ, घंटा कुछ नहीं बोलेगा भाई। सब मिलकर डिसीजन तो लो एक बार, किसको खिलाना किसको नहीं खिलाना भाई, इसके बाद कोऑर्डिनेशन बिठाओ बैठ के एक ही टीम की। क्या भाई हफ्ते बाद मैं आ गया, फिर एक हफ्ते पहले अमन था, फिर हफ्ते बाद कुछ और आ जाएगा, नहीं होता भाई ऐसे। 4 लौंडे खेलने चाहिए, 4 लौंडे ही खेलने चाहिए, सीधी बात है भाई। 5th प्लेयर का रोल तब है जब कोई बंदा इंजर्ड हो या कुछ हो, कोई दिक्कत हो, वो उसका रोल है 5th प्लेयर का, ऐसे नहीं होता भाई। फर्स्ट जैसे मैं ये बात बोल रहा हूँ, फर्स्ट जैसे ये बात बोलता आ रहा हूँ भाई, और मैं तो अभी भी ये बोलूँगा भाई, जिसमें सब कंफर्टेबल है उसे खिला लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी भाई। मैं बोल मेरे तरफ कोई ऑब्जेक्शन नहीं आने वाले तुम्हें, एक ऑब्जेक्शन भी पहले बोल देता हूँ मैं, जो तुम जो टीम के अच्छा वो करो ना भाई, सीधी बात है। अब 4 बंदे जो है उसको फिक्स करो, उसी को खिलाओ 1 महीना लगातार बैठ के भाई, तब जाके तुम्हारी कोऑर्डिनेशन बनेगी। ऐसे नहीं बनेगी कोऑर्डिनेशन भाई, एक हफ्ता वो खिलाया किसी घंटा नहीं बनेगी। डेली खेलो भाई क्लासिक्स बैठ के, टीडीएम डेली खेलने चाहिए, वो हम खेलते नहीं है। TDM खेलो भाई 2-2 घंटे बैठ के बेंच पे प्रैक्टिस करो, जो प्रैक्टिस करनी है तो। TDM से घंटा फर्क नहीं पड़ता है, जब ऑन द स्पॉट अबे ऑन द स्पॉट सिचुएशन होता है ना, वहां पे कैसे रिएक्ट करता है एंड ऑफ द डे वो मैटर करता है। अरे क्लोज रेंज फाइट का बोल रहा हूं भाई, पर क्लोज रेंज फाइट मैटर करती है, हिपफायर से हिपफायर बहुत स्ट्रांग चाहिए। हिपफायर स्ट्रांग करने का एक ही तरीका है, 2v2 खेलो दिन भर बैठ के और करो भाई हिपफायर की प्रैक्टिस करो, कुछ करना ही नहीं और भाई हिपफायर प्रैक्टिस करो, एक हफ्ता खेलो बेंच, सबका हिपफायर स्ट्रांग हो जाएगा, सब गन फाड़ोगे क्लोज रेंज बेंच, देख लिख के ले ले मुझे। तो TDM हिपफायर इंप्रूव करने का तरीका एक ही है, ट्रेनिंग से हिपफायर इंप्रूव नहीं होता है, हिपफायर इंप्रूव होता है खेल के, अच्छे प्लेयर के अगेंस्ट खेलो और हिपफायर खेलो बस, सब बंदे वही करते हैं, हमें करना चाहिए फायदा होगा उस बता रहा हूँ मैं। दिन में 2 घंटे TDM खेलो हिपफायर ओनली, एक हफ्ते बाद देखो कॉम्पिटिटिव में वो हिपफायर वाला मोमेंट्स कितनी बार आता है, जब 1v1 तेरा क्लोज रेंज फाइट होता है वो कब होता है, जब कंपाउंड पुश कर रहा है या कंपाउंड पुश हो रहा है, वो जनरली बहुत कम होता है। जो होता है मेन मिड रेंज फाइट्स होती है जिसमें स्प्रे का काम है, और दूसरा स्नाइपिंग एक है वो अलग सीन हो गया, और बाकी TPP का गेम है बे, TPP ही गेम है। एडवांटेज जिस पे है वो एडवांटेज का फायदा अगर नहीं उठाएंगे अपने पे ब्रो, आई कैन लिख के अगर एक ही टीम सिर्फ एक ही टीम एक हफ्ता पूरे टाइम साथ में खेले ना, तुम हमें देखना खुद की एक हफ्ते बाद, तुम मुझसे लिख के ले ले भाई चीज, डेली साथ में क्लासिक खेलो जितना खेल सकते हो, TDM खेलो कस्टम खेलो भाई, 3-4 दिन हगोगे चल ठीक है, 3-4 दिन हगोगे मानता हूँ, हगोगे 3-4 दिन, बट उसके बाद तो नहीं हगोगे कम से कम यार, पॉइंट वो है। ये नहीं कि भाई 3-4 दिन हगा उसके बाद लाइनअप चेंज, हगा लाइनअप चेंज नहीं होता भाई, लाइनअप का तो मेरे को अभी तुम सबको बोलना पड़ेगा तभी होगा, सबको बोलना पड़ेगा, ब्रेक भी नहीं लेना, ब्रेक लेने से उल्टा तेरा हाथ जो बैठा हुआ है वो भी जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ट्रस्ट मी भाई, मेरे को मेरी बात मानो, एक हफ्ता जो तुम्हें लग रहा है सूटेबल लाइनअप काम आएगा, आगे जाके उस लाइनअप को रखो और प्रैक्टिस करो, 5th प्लेयर का काम तब आएगा जब हमें से कोई एक बंदा रेगुलर हर दिन हगेगा बैठ के, या फिर इंजर्ड हो गया कुछ हो गया तब होता है 5th प्लेयर का काम, तब तक 5th प्लेयर का कोई काम नहीं है भाई। 3-4 लोग ऑलरेडी बैठे हो बूट कैंप पे, बात करो डिस्कस करो, इधर बोल के कुछ फायदा नहीं है। डाल दिया ग्रुप पे मॉडल ने ऑलरेडी, और एक मैच है ना इसका, मेरे को ये नहीं पता कि भाई
ट्रेन क्या करूं भाई, क्या ट्रेन करूं वो समझ नहीं आता। क्या ट्रेन कर लिया भाई, सब कुछ एएमएम टप ट्रेन कर लिया भाई। वही तो बात है, ये बोलने वाली चीज होती है सिर्फ के भाई ये करो टीडीएम खेलो, पर सभी करते हैं, वो सभी खेलते हैं, सबको ही आता है। ऐसा नहीं हो गया कि एक दिन टीडीएम नहीं खेला तो तेरा गन फाइट वीक हो गया भाई। सिचुएशन पे डिपेंड करता है एंड ऑफ द डे, सिचुएशन का एडवांटेज लेगा तू मार देगा। इस पे ट्रेनिंग की बात ही नहीं है भाई, मॉडल लिखा है ट्रेन क्या भाई, सब कुछ ट्रेन कर लिया, कब तक बैठ के मूवमेंट एडीएस सब कर लिया भाई, नहीं फर्क पड़ता, नहीं फर्क पड़ता उससे। आज कितनी फाइट हुई है मेरी बता, कितनी फाइट ली है? फर्स्ट मैच चूतिया की तरह मरा, ठीक है, सेकंड मैच कहां था सैनॉक, उसमें भाई वहां खड़े बैठे बैठे मरा। मैं वही तो बोल रहा हूं, देख रहा है तू, अबे गन फाइट में बहुत रेयरली वो होता है, मैं वही तो बोल रहा हूं, सिचुएशन का ही बात होता है। और अल्टीमेटली फाइट की पोजीशन पे भी कैसा है, रोटेशन में आना पड़ा अपने, वो सब स्प्लिट में रेगा मर गया, मेरी गाड़ी फट गई, मैं तो नसीब से रुक गया, तुम मेरे पे आ गए। मैं लड़ा पड़ा था अपनी अलग से, लड़ा पड़ा था डेली कस्टम खेलता मां की छूट। दो बंदे तो है ही, हम तीन बंदे अबे बस ले लूंगा, जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं बैठती तब तक मत चेंज करियो भाई। द डे अमन स्टेप्ड इन, अमन आया शादी से, उसके बाद लाइनअप चेंज, आई डोंट नो कौन बैठा मुझे याद नहीं है, ठीक है, वो चेंज किया, उसके बाद फिर मैप वाइज चेंज किया भाई, घंटा फर्क नहीं पड़ता उससे, मैप वाइज से क्या फर्क पड़ जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैप वाइज किसी स्ट्रॉन्ग होता, कुछ नहीं होता भाई, ऐसा सब बोलने वाली चीज है। अब वो तो चलना, वो तब का बात तो हो गया, हो गया वही तो कंटिन्यू होता आ रहा है वाइपर। अभी का तू ये करना, पीएमपीएल खत्म हुआ, आई मीन पॉज हुआ पीएमपीएल, उसके बाद क्या हुआ? तो अभी क्या उपाय है वो? अभी उपाय ग्रुप पे सीधा लिख दिया है ब्रो, ये चार डोंडे तुम्हें जो लगे, अगर इफ यू थिंक ये चार डोंडे पांच बंदे हैं तो भाई पांच बंदे का मतलब नहीं है ब्रो, नहीं है मतलब पांच बंदे का भाई, क्यों पांच बंदे?